हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस करें जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आते रहेंगी। सो गाइस, आज का भी मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट सेक्शन ऑफ सॉलिड है। सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में कह रहा है, एक सिलेंडर है जिसका व्यास 30 mm है तथा लंबाई 50 mm है। यह अपने बेस के सारे धरातल पर रखा है। इसे एक कटिंग प्लेन से काटा गया है जो कि VP के लंबवत यानी परपेंडिकुलर है और HP से 45 डिग्री पर इंक्लाइंड हुआ है। तो बेलन का सेक्शनल व्यू, फ्रंट व्यू और ट्रू शेप ऑफ सेक्शन खींचना है। तो गाइस, सबसे पहले हम सिलेंडर का फ्रंट और टॉप व्यू ड्रॉ कर लेते हैं, जिसका डायमीटर 30 है और हाइट 50 है। तो गाइज, इसके बाद हम इस सर्कल को 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो गाइज, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कटिंग प्लेन है वो बीपी के परपेंडिकुलर और HP से 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो गाइज, अब हम जो 30 और 60 डिग्री पे हमने डिवाइड किया था उन पॉइंटों को हम प्रोजेक्ट करके नीचे तक खींचेंगे। फ्रंट हमारा कटिंग प्लेन CP के थ्रू कटा हुआ है तो ये फुल सेक्शन होगा टॉप व्यू हमारा। तो इसमें सेक्शन करते हैं। इसके बाद गाइस, CP के पैरेलल एक निश्चित डिस्टेंस पर हम X1 Y1 रेखा खींचेंगे। 1' 4' और 7' से हम परपेंडिकुलर लाइनें खींचेंगे। सो गाइस, आप टॉप व्यू में XY से 1 की जितनी डिस्टेंस है वो इस पॉइंट से यहां तक मार्क करेंगे। गाइज, इस प्रकार हम हर पॉइंट से यहां डिनोट करेंगे। अब इन पॉइंटों को हम मिला लेंगे जिससे हमें ट्रू शेप सेक्शनल व्यू प्राप्त हो जाएगा। सो गाइज, इस प्रकार हमें ट्रू शेप इसका प्राप्त हो चुका है। सो गाइज, आप नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक स्क्वायर पिरामिड है जिसकी बेस 35 mm है तथा एक्सेस की लंबाई 50 mm है। इसे बीपी के लंबवत यानी परपेंडिकुलर और HP से 45 डिग्री इंक्लाइंड हुए कटिंग प्लेन द्वारा काटा गया है। कटिंग प्लेन अक्ष को बेस से 35 mm पर काटता है। पिरामिड का सेक्शन व्यू और सेक्शनल एक्चुअल व्यू बनाना है। सो गाइज, सबसे पहले हम प्रोजेक्शन बना लेते हैं इसका। जो इसका बेस है 35 है और हाइट 50 mm है। अब क्वेश्चन में बता रहा है कि एक्सेस को 35 mm ऊपर कटिंग प्लेन लाइन द्वारा 45 डिग्री पे काटा गया है।
अब गाइज एक्स वाई के पैरेलल हमें एक लाइन खींचनी है टू डैश से, जो हमारी टू डबल डैश पे काटेगी। ओ से ओ टू तक डिस्टेंस लेके हमें रेडियस घुमाना है, जो हमें ओ बी और ओ डी पर काटता है। तो गाइज अब हमें इन पॉइंटों को मिलाना है। सो गाइज अब इसके पहले हमें एक्स वाई लाइन खींचनी है। सो गाइज ट्रू शेप प्राप्त करने के लिए हमें एक्स वाई से वन तक की जितनी डिस्टेंस है वो एक्स वन और वाई वन से लेंगे। इसी प्रकार एक्स वाई से एक्स फोर की डिस्टेंस और एक्स वाई से एक्स टू की डिस्टेंस, एक्स वाई से एक्स थ्री की डिस्टेंस लेके ट्रू शेप प्राप्त करेंगे और इन पॉइंटों को हम आपस में मिला लेंगे। ये 45 पे है तो इसमें 45 डिग्री पे सेक्शन होगा यानी 90 डिग्री पे। सो गाइज इस प्रकार इसका ट्रू शेप ऑफ सेक्शन कंप्लीट हो गया है। सो गाइज आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।